मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग हैं हरियाणा के एक होटल में। होटल का नाम है लवी, जेंट्स लवी होटल। तो हम लोग यहाँ पर स्टे किए हैं क्योंकि रात में काफ़ी लोग लेट हो गया था। आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हम लोग काफ़ी लेट यहाँ पहुँचे थे, तो इसलिए हम लोग रुक गए। और अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है, तो काम चला लेना आप लोग ऐसे ही इसी वाले गले से। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, हम तो नहा के आ गए हैं, ब्रश भी कर लिए हैं। चलो फटाक से रेडी हो जाते हैं। कुछ मेकअप नहीं करना है, बस स्किन केयर करना है क्योंकि धूप में चलना है। तो चलो आप लोगों के सामने जो जैसे करना है आप लोगों को दिखा देते हैं। फटाक से रेडी हो जाते हैं, अब यहाँ से निकलना है। देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करें इनिस्फ्री का ग्रीन टी मिस्ट। काफ़ी अच्छा मिस्ट है, इससे हमारा फेस काफ़ी अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाएगा। यहाँ वहाँ के चक्कर में ना फेस का जो ग्लो है वो चला गया है। ये देखो पिंपल्स हो गए। अब मैं यूज़ करूँ गुड वाइब्स का रोजहिप सीरम। मैं यूज़ कर रही हूँ थैंक यू फॉर्मा का सनस्क्रीन, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे मेरा फेस जो है काफ़ी ग्लोई लगता है। इसमें SPF 50 PA++++ है, जो कि प्लस पॉइंट है। और ये ऑयल, सॉरी ये वाटर बेस्ड है, तो मैं इसे लगा ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँ लैक में करीना कपूर खान का ब्रो डिफाइनर, काफ़ी अच्छा है, ब्रो पोमेड का काम करता है। यहाँ पर यूज़ करूँ मिलानी की ब्रो फिक्स ब्रो किट। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को तो पता ही है कि ये मेरी फेवरेट है। यहाँ से ब्रो नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ। अब मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, यह है प्लम का, काफ़ी अच्छा काजल है, स्मज नहीं होता है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लिपस्टिक यूज़ करूँ, यह है कलर बार लिपस्टिक सेट नंबर 012 कुछ सब, काफ़ी प्यारा न्यू सेट है। फिर से यही मिस्ट यूज़ कर ले रही हूँ। गाइज, जो आप मिट्टी के टीले जैसा देख रहे हो ना, कुछ और नहीं, ये है कचरा जो कि दिल्ली वालों का है। जी हाँ, मैंने सोचा कि ये क्या है, तो मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया कि ये दिल्ली वालों का कचरा है, तो फिर मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए, आप लोग भी देख लो, ये पहाड़ जैसा गजा हुआ है दिल्ली वालों का कचरा। ये देखिए, मैंने जूम कर दिया ताकि आप लोग देख लो।
कोई प्लान नहीं था बट आ गए हैं, चलो सुनते हैं। आइए 200 में इसका दिया। टॉप इधर दिए जा रहे हैं। कितने का है? 200 में कोई भी? ले लो ले लो ले लो। तो गाइस सबसे पहले मैंने पूरी मार्केट घूम ली, सबसे पहले मैंने देख लिया कि कहाँ पे क्या चीज़ कितने में मिल रही। इसके बाद दो चार चीज़ें मैंने ली यहाँ से, जैसा मैंने सुन रखा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था कि 50 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लायक, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक ठाक था। तो यहाँ से मैंने दो चार चीज़ें ली हुई हैं जो कि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, आप लोग देख के बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और मुझे तो प्राइस वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, जैसे हमारे यहाँ जितने में मिल जाता है उतने ही सारी चीज़ें थी। हाँ 10-5 रुपए का हेयर फेयर था, 10-5 रुपए कम हो जा रहे थे। बाकी ज्वेलरी में तो मुझे कोई भी अंतर नहीं लगा, जितने में ज्वेलरी यहाँ पर मिलती है 250-150 ऐसे स्टार्ट होती है, ऐसे वहाँ पर भी स्टार्ट थी। और स्लीपर वगैरह भी जितने रेट में हम लोगों के यहाँ मिलती है उतने में ही। मैंने वीडियोज़ देखे थे काफ़ी कि वहाँ पर आपको 50 रुपीज़ से काफ़ी अच्छी ब्राइडल ज्वेलरी मिल जाती है सरोजनी में, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वही सोच के मैं गई थी। लेकिन मुझे यहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन दो चार चीज़ें मैंने ले ली ताकि मुझे मेरी फैमिली से डांट ना पड़े कि यहाँ पर इतनी दूर आई थी सिर्फ एक दो चीज़ लेने के लिए। स्लीपर वगैरह 150, 250, 300 ऐसे ही स्टार्ट थी, तो आपके यहाँ भी आसानी से लोकल मार्केट में उतने में ही मिलेगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। और यहाँ से मैंने एक ये वाला लटकन लिया था 250 रुपीज़ का, तो चलो दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। तो गाइज ये है वो प्रोडक्ट जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। अब उतनी दूर गए थे तो अगर कुछ ना लेते तो डांट पड़ जाती, इसलिए मुझे लेके आना पड़ा। तो ये कुछ मैंने रबर बैंड लिया है जो कि काफ़ी गुड क्वालिटी के हैं। ये मुझे 50 रुपीज़ में या फिर 60 रुपीज़ में मिला था पूरा एक पैक, और इसमें कितने थे मैंने काउंट नहीं किया। इसके बाद ये है क्लचर, इसमें से भी खाली है, इसमें टोटल 10 थे और आप देख सकते हो अभी 4, 8 है, सॉरी इसमें टोटल 12 थे और इसमें से भी मैंने दे दिया है, अभी सिर्फ 8 हैं। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी 8 इसमें बचा हुआ है। और ये भी आई थिंक मुझे 70 रुपीज़ में मिला था। और एक मैंने ये लिया था, इसमें टोटल जितने हैं उतने हैं, मैंने किसी को नहीं दिया। तो ये भी मुझे 50 रुपीज़ में मिला था, प्राइस सेम थी गाइस, जो यहाँ पर मिल जाएगा वही सेम प्राइस थी। आप लोगों को पता ही है कि मैं ना प्राइस कम नहीं करा पाती हूँ, अगर वो 50 बोल रहा है तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप मुझे 40 का दे दो, अजीब सा लगता है ना कि नहीं भैया दे दो, नहीं भैया दे दो। फिर भी हाँ 10-5 रुपये छुड़ा सकते हैं, तो जब आप ज़्यादा सामान लेते हो तो वो लोग खुद ही 10-5 रुपये छोड़ देते हैं। तो ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला था। इसके बाद मैंने इसे लिया था, मुझे एक मेकअप लुक करना है उसके लिए, और ये मुझे मिला था 10 रुपीज़ का, हेयर एक्सेसरीज़ है ये। इसके बाद मुझे अंडर 50 मेकअप चैलेंज करना है, तो मैंने कलर गर्ल का लिया था फाउंडेशन, अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। इसकी प्राइस 50 है लेकिन ये मुझे 30 रुपीज़ का मिल गया था, तो इसलिए मैंने ले लिया। अंडर 50 मेकअप चैलेंज करना है, आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे हो, तो इसलिए मैंने इसे लिया था कलर डीवा का। इसके बाद मैंने ADS की आईब्रो पेंसिल जो कि यहाँ पर मिलती है 15-20 रुपीज़ और वहाँ पर मुझे 10 रुपीज़ में मिल गई, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। इसके बाद मैंने एक गोल्डन कलर की आई पेंसिल ली हुई है, इस ये मुझे मिली थी 20 रुपीज़ में, कलर्स क्वीन की है और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, देखिए। तो 50 रुपीज़ मेकअप चैलेंज में यूज़ करने के लिए मैंने लिया है इसे। इसे आप एज अ हाइलाइटर, एज अ आई शेडो कई तरीके से यूज कर सकते हो। इसके बाद मैंने ADS का काजल लिया है और ये भी मुझे 40 रुपीज़ का मिला है, 50 प्राइस है। ऑनलाइन इसकी प्राइस है 110 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़ जितने में ऑनलाइन आपको मिलेगा, लेकिन सरोजनी में आपको 40-50 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। इसके बाद मैंने इसे लिया हुआ है रूम डेकोरेशन के लिए और ये मुझे मिला था 250 रुपीज़ का। इसके बाद मैंने वहाँ से एक टॉप लिया जो कि 50 रुपीज़ में मुझे मिल गया,
और ले तो लिया, लेकिन वहाँ पर मैंने साइज़ नहीं चेक करी और ये साइज़ है XL। कपड़े की क्वालिटी 50 रुपीज़ में ओके है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, गर्मी में आप इसे नहीं पहन सकते हो। मुझे इसका प्रिंट अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ले लिया। काफ़ी टाइम पहले मेरे पास एक ऐसा था, पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, और आने के बाद मैंने देखा तो यहाँ पर बटन वटन सब निकली हुई है, और ये सब तो आप देख सकते हो कि चमक रहा है, अभी नया का नया लगा हुआ है। और पीछे का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। वहाँ इतने सारे कपड़े थे 50 रुपीज़ में, लेकिन सबसे सुंदर मुझे यही लगा 50 रुपीज़ में। अच्छा है, बुरा नहीं है, 50 रुपीज़ में इतना अच्छा आपको मिल जा रहा है, तो इसलिए मैंने ले लिया। वैसे तो YouTube पे मैंने काफ़ी कुछ देखा था, 50 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन इसको छोड़ के मैंने जितने भी कपड़े देखे ना गाइस, कोई नहीं लेगा। वो सारे कपड़े सिर्फ पोछे के लिए थे। ये भी ठीक है, सिर्फ वीडियो के लिए, एक यूट्यूबर ही ले सकता है वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 50 रुपये में मैंने कपड़े ले लिए। और एक बार अगर पहनेगा ना तो दोबारा इसे नहीं पहन सकता, क्योंकि बस एक बार के लिए ही ये यूज़ में होगी। फिर नहीं आती थी पहले, लिखो फेंको, तो उसी तरह का है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा नया नहीं दिख रहा है। 50 रुपीज़ में हम उम्मीद भी और क्या कर सकते। 50 रुपीज़ के हिसाब से अच्छा है यार, 50 रुपये में तो एक पोछा भी नहीं मिलता ना, तो ठीक है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। ये थे वो सारे प्रोडक्ट जो मैंने सरोजनी से लिए हुए थे। आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, बिल्कुल भी ना भूलना। अब हम लोग सरोजनी से निकल गए हैं, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जाम था आप देख सकते हो, तो अब हम यहाँ से चले जाएंगे आगरा, वहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि कल हम लोगों को जाना है ताजमहल देखने। आई नो आप लोग ताजमहल का जो आगरा वाला ब्लॉग है उसका आप लोग काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे हो, मुझे काफ़ी सारा DM कमेंट आ रहा है कि मैम प्लीज़ जल्दी से शेयर करो, तो बस आप लोगों की इंतज़ार की घड़ियाँ होने वाली है समाप्त, जल्दी आने वाला है आगरा वाला ब्लॉग। गाइस अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं आगरा, एक होटल में रुके हैं, कल हम लोगों को ताजमहल देखने जाना है, और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। अभी हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया है, अभी यहीं से ऑर्डर कर देंगे होटल में ही। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर से लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करना फ्री है, आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। यार सच में इस ब्लॉग को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, गला भी ख़राब है मेरा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से बात करने की, बोल रही हूँ। बहुत मेहनत किया है मैंने इस ब्लॉग के पीछे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मैंने भाग दौड़। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ, मेरे लिए भी करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं कहीं घूमने, वो मेरे ब्लॉग के थ्रू घूम लें। आई नो थोड़ा सा फिल्मी हो जा रहा है, बट सही है ना, कि जैसे मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ, लखनऊ गर्ल रुचि को, केदारनाथ हो गई थी, तो मुझे लग रहा था कि मैंने उनका ब्लॉग देखा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं ही केदारनाथ गई हूँ। चीज़ मैं सोचती हूँ ना कि ब्लॉग के थ्रू ना देख के ऐसा लगता है कि हम सच में वहाँ गए हैं, तो यही चीज़ मैं सोचती हूँ कि जब आप लोग भी मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ हम वहीं पर हैं, इसलिए हम दौड़ भाग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं गाइस, 4 दिन से दौड़म भाग लगा रखे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल प्रियादीप ब्लॉग को, और मेरे भाभी के चैनल यूपी ब्लॉगर आराध्या के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। आप लोग भी मोटिवेट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अभी नई है और बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम पहली बार कैमरा फेस करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। आई होप आप लोग ये सब ये समझेंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे। सो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून। दीप ये देखो बंदा, से हाय दीप, हाय, हाय तो बोल दो, मैं कैसी लग रही हूँ दीप, मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत लग रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, माइंड मत करना चाहे जैसी भी।